जो देश विरोधी चेहरा है और उसके साथ पीडीपी, वो आज फिर से एक बार सामने आया है। जिस तरह परसों असेंबली में एक गैर कानूनी तौर पर एक देश विरोधी बिल जो है वो पेश किया गया और उसको पास किया गया वहां से असेंबली से, जो बिल्कुल गैर कानूनी है और अचानक एकदम से वो ना उसमें एजेंडा में था ना कुछ था, और एकदम से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बिल लाया जिससे उस लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। 370 जो है गे जमाने की बात हो चुकी है, वो पानी बह चुका है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है, ये उसके सपोर्टर कांग्रेस वाले भी जानते हैं और पीडीपी वाले भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ जो अपना एजेंडा था इनका, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बातें रखी थी सरकार बनने से पहले, क्योंकि वो बातें इनसे पूरी नहीं हो रही हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसी बातें जो हैं वो 370 जैसी बातें हैं ये लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कभी 370 वापस नहीं आ सकता, ये पार्लियामेंट से लंबा चौड़ा रोल नहीं है। ये जो फ्री के सिलेंडर देने की बात थी, जो फ्री की ये बिजली जो 200 मेगावाट बिजली, जो 200 यूनिट बिजली के फ्री लोगों को देने थे, उसके साथ साथ जॉब्स की बात जो की गई थी उससे भटकाने के लिए, ध्यान लोगों का भटकाने के लिए ये 370 जैसी चीजें जो हैं यहाँ ला रहे हैं, और गुंडागर्दी वहाँ असेंबली में की जा रही है, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ हाथापाई की जा रही है, हमारे दो जो MLAs हैं वो जख्मी हुए इस सारी हाथापाई में। ये गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे 28 शेर वहां बैठे हुए हैं जो इस चीज का भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। आज जगह जगह जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में शांति आई है, जो डेवलपमेंट हुई है, ये 370 से आने से ये चीजें दोबारा आ सकती हैं, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। आज राजौरी में भी जगह जगह इस तरह के प्रोटेस्ट जो है, हर गांव में हर चौराहे पे ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप अपना जो है वो स्पष्ट करें कि आप 370 वापिस आने के फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट है। आप अपनी नीति जो है उसको क्लियर करो, आप पूरे देश में नीति क्लियर करो, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने 370 हटाने का सपोर्ट की थी। आज आप अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करो कि 370 होना चाहिए या हटना चाहिए, ये कांग्रेस को जवाब देना होगा। आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा, जैसे दो दिन पहले असेंबली के अंदर हुआ, मुझे लगता है कि जब से असेंबली बनी है आज तक कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया गया, ऐसा मिसबिहेव नहीं किया गया। हमारे जो विधायक थे उनसे बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई, और जो स्पीकर साहब थे वहां बैठे हुए उन्होंने एक तरफा रोल अपनाया। मैं कहता हूं बड़े शर्म की बात है स्पीकर साहब के लिए, उनको सबको बराबर देखना चाहिए था, लेकिन स्पीकर साहब ने एक तरफा रोल निभाया और हमारे विधायकों के साथ हाथापाई की गई, और जो हमारे तीन विधायक हैं जो इंजर्ड हैं अभी तक, मैं कहता हूं बड़े शर्म की बात है इनके लिए, स्पीकर साहब के लिए, क्योंकि स्पीकर जो होता है सबका होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक तरफा जो है अपना बनाया। मैं कहता हूं हम जो कंडेम करते हैं इस चीज के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो कुछ हुआ है आज, मैं कहता हूं कभी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यहां पे रही है लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। सेंटर के अंदर जो है मोदी साहब बैठे हुए यहां पे 370 का मुद्दा लेके आए हैं एनसीपी कांग्रेस वाले। मैं कहता हूं कि ये जो संसद में पास हुआ है, देश का हिंदुस्तान का जो कानून है बहुत बड़ा कानून है, लेकिन इनको इस कानून पर विश्वास नहीं है, इनको होम मिनिस्टर पर विश्वास नहीं है। जो एनसीपीडीपी ने अगर लोगों ने उनको मैंडेट दिया है तो उस पर काम करें, लोगों की डेवलपमेंट करें, लोगों की नौकरी के बारे में सोचें, लेकिन पहले आते ही 370 के ऊपर आ गए। वो 370 से वोट उनको मिलने वाले नहीं है, जो लोगों से गुमराह करके उन्होंने वोट लिए हैं। मैं कहता हूं कि वो उनकी डेवलपमेंट करें, उनके काम करें, सड़कें बनाएं, रोडें बनाएं, ये काम करें, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है। आते ही पहले दिन ही वो शुरू हो गए इस चीज को लेकर हंगामा करने के लिए, लोगों को बोलेंगे कि हम 370 के ऊपर लड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गलत हो रहा है। और जो मैं आपको बता दूं, जो हमारे विधायकों के साथ हाथापाई की गई है, मैं कहता हूं जो इसके गुनहगार है उनके ऊपर FIR लगनी चाहिए, क्योंकि ये गलत किया गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जब से असेंबली बनी है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो हमारी है सड़कों के ऊपर है, क्योंकि 10 साल हमने लोग नहीं आए, जहां गलत होगा वहां भारतीय जनता पहले आएगी। कल जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी या अन्य जितने वहां पे इंडिपेंडेंट विधायक जीत के आए हैं जो कश्मीर की बात करते हैं, जो हमेशा जो है देश के खिलाफ जो है बात करने की कोशिश करते हैं,
मिलिटेंट्स और आतंकवादी जो है उनका साथ देते हैं। उन्होंने कल जो है कहीं ना कहीं फिर जो है अपनी एक अजीब सी हरकत करके बताई, जिसके बीच में जो है हमारे जो वहां पे बीजेपी के विधायक थे जो 370 के खिलाफ जो है वहां पे बात कर रहे थे, उसके बीच में जो है हमारे जो बाकी पार्टीज के जो एमएलए थे जो जीत के वहां पे आए, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं 370 की वहां पे बात करने की कोशिश की। वहां पे जो है पोस्टर लहराए वहां पे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके बीच में आप जानते हैं कि 370 हटाया गया, वो ना कि बीजेपी ने हटाया ना कि जो है किसी और पार्टी ने हटाया, सिर्फ और सिर्फ जो है देश के जो है न्याय जो हमारी लोकसभा है उसने हटाया और राज्यसभा ने हटाया। कहीं ना कहीं ये चीज महसूस हुई और वो बिल पास हो गया और वो लोगों की आवाज थी, वो कश्मीर जम्मू कश्मीर की आवाज नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान की जितने वहां पे मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है अपनी मोहर लगा के जो है उसको वहां से लोकसभा से और राज्यसभा से पास किया। मैं मान के चलता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो है आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज बताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है 370 को वापस लाएंगे। ये कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने भी जब इसके ऊपर फैसला दिया और उसके बावजूद भी जो है ये नहीं अभी भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आवाम जो है कश्मीर की उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस सिंपैथी पे हमने वोट लिया है, जो वहां पे उनको जो है गुमराह करके जो है कहीं ना कहीं उनसे वोट बटोरा है और वही वोट लेके जो है अब यहाँ पे आप जानते हैं कि आज शायद चौथा या पांचवा जो है सेशन जो हुआ, अभी बहुत लंबी दौड़ है, 5 साल का बहुत लंबा सफर है। इनको जो है कहीं ना कहीं लोगों ने मैंडेट दिया है और इनको शर्म होनी चाहिए कि आप किस तरीके से जो है वहां पे बिहेव कर रहे हैं। लोगों ने जो है आपको जिताया है लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, उनके काम करवाने के लिए, ना कि जो है आप वहां पे जो है जैसे स्कूल के अंदर जो है बच्चे जो है एक दूसरे के ऊपर जो है डेस्क के ऊपर चढ़ के जो है नाचते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वही हालात जो है कहीं ना कहीं कल जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखने के लिए मिली और बहुत ही शर्मसार बात है। और कहीं ना कहीं जो है पब्लिक के मैंडेट का मिसयूज जो है एनसी और नेशनल एनसी और पीडीपी और जितने भी जो है इंडिपेंडेंट पार्टीज जो है वहां पे जो वहां के लोग जो है जीत के आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए और आप सब जानते हैं कि 370 कभी वापस नहीं आ सकता और ना ही कभी आएगा, और अगर इनको अभी भी उम्मीद है तो मुझे लगता है कि उससे पहले ये रिजाइन आज ही कर दें। 370 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।